तो हेलो गाइज, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स एडिटर में। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का दिवाली कॉन्सर्ट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा, सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं दिवाली का आने के। तो हम लोग, मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक दिवाली फ़ोटो एडिट करके क्यों ना दिखाया जाए, जिससे आप लोग भी इसी तरीके से फ़ोटो एडिट कर पाओ अपना। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं इतना ही बोलूँगा, सिर्फ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड साइड में बेल आइकन का ऑप्शन होगा उसको भी प्रेस कर लो, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ। ज़्यादा कुछ ना बोलते चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको कर लेना है अपने PicsArt को ओपन। PicsArt को ओपन करने के बाद आपको ये वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। एंड इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे मॉडल को पहले से मैंने कटआउट कर रखा है बैकग्राउंड को, तो यहाँ से मैं इसको ऐड करूँगा एंड फुल स्क्रीन करके इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से मैं डन कर दूँगा। इतना सा काम आपका होने के बाद आप यहाँ से फिर से ऐड फोटो में जाइए, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद मैं और एक पार्टिकल का मैं लिंक दे दूँगा, ये भी आप डाउनलोड कर लेना, एंड इसको भी आपको ऐड कर लेना है। आपको ऐड कैसे करना है मैं आपको दिखा दूँ, एंड किस पार्ट को लेना है। यहाँ से आपको क्रॉप वाले में जाके सिर्फ रेड वाले या आप कोई से भी ग्रीन वाले को ले लीजिए। तो मैं यहाँ से रेड वाले को देख लेता हूँ, तो रेड वाले को सिलेक्ट कर लूँगा, मतलब क्रॉप कर लूँगा, इतने से एरिया को क्रॉप करके, एंड ऐसे अच्छी तरीके से कॉर्नर पे मतलब नीचे की तरफ मैं एडजस्ट कर दूँगा, एंड ब्लाइंड में जाके इसे स्क्रीन कर दूँगा, जिससे कि ये अच्छा सा लुक दे। जैसे आपको पता ही होगा, आप झालर के सामने से या लाइटिंग के सामने से अगर कैमरे से या मोबाइल से खिंचवा तो वो ब्लर बोके टाइप का एक लुक देता है, आप सबको पता ही होगा। एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कुछ ऑरेंज टाइप का एंड ब्राउन टाइप का लुक दे रहा है, तो मैं इसको भी ब्राउन करने के लिए यहाँ से ह्यू में मैं गया था, अभी आपने देखा था। इसी तरीके से इसको भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ से इतना सा करने के बाद आपको इरेजर में आना है, इरेजर में आकर इतना सा क्रॉप कर देना है, यहाँ से क्रॉप करके मतलब सॉरी क्रॉप नहीं, यहाँ से इरेज कर देना है, एंड इरेज करके यहाँ से डन कर देना है। इतना सा डन करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमारा यहाँ पे हो गया सारा काम ख़त्म। अच्छी तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया है, एकदम सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे फ़ोटो एडिट करके दिखा रहा हूँ, एकदम सिंपल और एकदम बढ़िया भी लगेगा। एंड यहाँ से आपको चले जाना ड्रॉ वाले टूल पे, ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो इतना सा आपने करने के बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है, एंड उसमें क्लिक करने के बाद एंड जो आपने PicsArt में एडिट किया था उसे आपको ऐड इम्पोर्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, इम्पोर्ट में थोड़ा टाइमिंग लेगा तो देख लेते हैं इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्ट भी हो चुका है, एंड इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो है सिर्फ कलर ग्रेडिंग। अगर आप बैकग्राउंड के साथ अगर कलर ग्रेडिंग सही से नहीं करोगे तो हमारा फेक लगेगा। देखिए अभी किस तरीके से फेक लग रहा है, मॉडल का PNG भी नकली है। तो हमें एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोजर में आना है, एंड इसका थोड़ा मतलब इंक्रीज़ कर देना है, मतलब बढ़ा देना है। तो मैं आसान तरीके से मैं आपको बता दूँ, अच्छी तरीके से सिंपल तरीके में बोल रहा हूँ। एंड कॉन्ट्रास्ट को भी आपको 21% को बढ़ा देना है, एंड हाईलाइट्स को भी देख लेते हैं किस तरफ सही लग रहा है। एंड हाईलाइट को मैं माइनस की तरफ ले जाऊँगा 7, एंड शेडोज़ को भी मैं इसी तरीके से -76 कर दिया मैंने। एंड वाइट्स को भी आपको थोड़ा सा छेड़ लेना है, तो देख लेते हैं कहाँ पर वाइट्स को मैंने -4 रखा है। एंड ब्लैक्स को आपको कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं, से आप 0 रख देंगे। एंड इतना सा होने के बाद आपको ये ग्रेडिएंट वाला ऑप्शन आएगा, मतलब कलर ग्रेड करना है यहाँ पे। तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ऑरेंज वाले में सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा फेस का कलर होता है, आप सबको पता ही होगा। फेस वाले कलर में आने के बाद आपको ह्यू को थोड़ा छेड़ लेना है, देख लेते फेस का कलर कहाँ पर मैच हो रहा है। तो यहाँ पर पीछे का ऑरेंज टोन है, तो मैं थोड़ा रेड देना चाहूँगा फेस में। एंड फेस में करने के बाद आपको सैचुरेशन को भी थोड़ा छेड़ लेना है, सैचुरेशन को थोड़ा प्लस, एंड ल्यूमिनस को भी 10% देख लेता हूँ सैचुरेशन कहाँ पे से लग रहा है, एंड 3% सही है। अगर थोड़ा दिक्कत इधर उधर हो जाएगा तो हम लोग वापस एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सही हो गया, एंड्रॉयड में आऊँगा, एंड्रॉयड में देख लेते हैं तो सही हो गया। एंड सैचुरेशन को भी 10% बढ़ा दूंगा, एंड ल्यूमिनस को भी 5%। इतना सा होने के बाद आपको येलो वाले में आ जाना है। येलो वाले में आने के बाद ह्यू में आपको चेंज करना है, देखते हाँ ह्यू में एकदम 100- की तरफ ले जाना है, एंड सैचुरेशन को देख लेते किस तरफ सही लग रहा है। सैचुरेशन हमें 11 कर देना है प्लस, एंड ल्यूमिनस को आपको 34% माइनस, एंड आपको यहाँ से ग्रीन वाले में जाना है, एंड ह्यू को आपको कर देना है एकदम -100, एंड यहाँ पर से आपको ब्लू वाले ऑप्शन में चले जाना है, ब्लू वाले ऑप्शन को -24, एंड यहाँ से आपका डन हो चुका है। डन होने के बाद आपको टेम्परेचर को देख लेना है किस तरफ सही लग रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पे देख लेंगे,
तो इसको मैं कर देता हूँ प्लस 5। ज़्यादा आपको करना नहीं है, टेम्परेचर को ज़्यादा छोड़ोगे एकदम कलर बिगड़ जाएगा। एंड टेंट को भी मैं देख लूँगा कहाँ पे से लग रहा है। टेंट हमारा यहाँ पे प्लस 3। एंड वाइब्रेंस को भी मैं वाइब्रेंस को मैंने कर लिया है 24 प्लस। एंड सैचुरेशन को -15 के बाद। एंड आपको बैक आ जाना है, यहाँ से आपको एक्सपोजर को थोड़ा चेंज कर देना है क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था बैकग्राउंड के साथ। आपको पता ही होगा कैमरे से खिंचवाते हैं तो थोड़ा डार्कनेस थोड़ा आता है, तो उसी तरह से मैं एडजस्ट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। एंड मैं आपको बता दूँ, मेरी बातों में ज़्यादा ध्यान ना देके आप लोग अगर वीडियो में ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा सीख पाओगे, क्योंकि वीडियो में जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। एंड ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन में आपको आना है। ग्रेडिएंट वाले ऑप्शन से ये होता है एकदम अच्छी तरीके से शेडोज एंड मिड टोन्स को अच्छी तरह से सैचुरेशन करके सही से कर देता है, एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ से मैं शेडोज को देख लूँगा कहाँ पर सही लग रहा है। आप ध्यान से देखिए शेडोज यहाँ पे चेंज हो रहेंगे, ग्रीन येलो ब्लू हो रहा होगा। एंड शेडोज को मैं यहाँ पे ब्लू देख लेते हैं कहाँ पर सही लग रहा है। इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आपको भी उसी तरीके से कर लेना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका फ़ोटो एकदम हो जाएगा बेकार, जिससे फेक लगे, सब बोलेंगे क्या फ़ोटो बनाया भाई तूने, आपको पर हंसेंगे। आप दिखा भी मत देना अगर अच्छी तरीके से, अगर आप एडिट ना कर पाओ। आप बहुत बार कोशिश कीजिए तब जाके आपका फ़ोटो अच्छा बनेगा। तो मैंने भी बहुत बार कोशिश की इस बैकग्राउंड के साथ मैच करवाने की, तब जाके मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे आपको दिखा नहीं सकता, अगर ऐसे में किसी का भी फ़ोटो मतलब सैचुरेशन मतलब बैकग्राउंड के साथ अगर मैच ही नहीं होगा तो एकदम बेकार रहेगा। तो यहाँ से मैं अब मिड टोन्स को देख लूँगा। तो यहाँ से मिड टोन्स वगैरह आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, जहाँ पे आपका मैच हो रहा है आपको वहीं पे मैच करवा के आपको रहन देना है एंड डन कर देना है। तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है एंड म्यूज़िक को भी आपको एंजॉय करना है। तो आप ज़्यादा कुछ ना बोलते, यहाँ से म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए एंड वीडियो को फुल वॉच करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रेडिएंट दे दिया है। अब इस वाले ऑप्शन में आना है। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा प्लस कर लेना है। क्लैरिटी को ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि डार्क हो जाएगा फोटो। यहाँ पे 6 रखता हूँ, 6-7 के आसपास। और डीएच को मैं यहाँ पे रखूँगा 8-7 के आसपास। एंड विग्नेट को थोड़ा मैं चारों ओर से मतलब शैडोज टाइप का देना चाहता हूँ, तो इसको फेदर में बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ से मैं शार्पनिंग को बढ़ा लूँगा, शार्पनिंग में आके। एंड ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, नॉइस रेजोल्यूशन इन सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है और शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अब इस वाले टूल में आऊँगा एंड इस वाले ऑप्शन को लूँगा। एंड नीचे से मैं डार्क करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से डार्क कर लूँगा। एंड जो हमारा एक्सपोजर वाला ऑप्शन है इसको मैं कम कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डार्क हो रहा है। तो यहाँ से मैं कंट्रास्ट को मैं थोड़ा माइनस की तरफ ले जाऊँगा एंड हाईलाइट्स को प्लस की तरफ। इतना सा होने के बाद तो यहाँ से एक मिनट देख लेता हूँ, यहाँ से इतना सही है, यहाँ से हमारा डन हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर लिया है अच्छी तरीके से। एंड देखिए बिफोर में दिखा देता हूँ एंड आफ्टर इस तरीके से। मगर अभी में कुछ कमी लग रहा है तो मैं यहाँ से मैं कमी को सुधारूँगा। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड स्किन वाले ऑप्शन में जाऊँगा। तो अच्छी तरीके से मैच नहीं हुआ तो इसको मैं इतना रख लूँगा। एंड येलोस को माइनस, तो ल्यूमिनस को थोड़ा माइनस की तरफ ले जाऊंगा। एंड यहाँ से एंड्रॉयड वाले को भी थोड़ा प्लस की तरफ एंड डन। इतना सा मैंने कर लिया है। एक्सपोजर को देख लेते हैं कहाँ पे सही लग रहा है। तो एक्सपोजर को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फेक लगेगा, चमक जाएगा पूरा फोटो। तो हमारा इतना सा होने के बाद अब आप मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्सआर्ट में कुछ इस तरीके से था हमारा फ़ोटो। एंड लाइटरूम में हमारा एडिट होने के बाद एकदम बढ़िया एकदम कलर मैच हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड सब्सक्राइब करने के बाद एंड साइड में बेल आइकन का ऑप्शन होगा, उसको भी प्रेस कर दो, जिससे मेरी नई वीडियो आपको पता चल जाए कब आ रही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।